मेरे शासन की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन विधिवत तरीके से होता है। जैसे मनरेगा योजना में हमने जो है 15 कपिलधारा कूप के हितग्राही को लाभ दिया है। पेंशन योजना में 189 जो है पेंशनर है हमारी। उसके बाद इंदिरा आवास में 7 हितग्राही को लाभ दिया है अभी तक इसी वर्ष में। उसके बाद जो है राष्ट्रीय परिवार सहायता में इस वर्ष 1 व्यक्ति को लाभ दिलवाया है। प्रसूति सहायता में 4 लोगों को लाभ दिलवाया है। इसी तरह मनरेगा में ग्रेवल रोड हमारे 4 स्वीकृत हैं, उसमें से 3 पूर्ण हो चुके हैं, 1 में कार्य प्रगति पर है। उसी तरह से निर्मल वाटिका में हमने 125 शौचालय का निर्माण करवाया, अभी तक बाकी में कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार से मनरेगा में जो है मनरेगा कन्वर्जेंसी में पंचपर्मेश योजना का रोड मेरा 1 पूर्ण हो चुका है, इसकी सीसी जारी हो चुकी है, दूसरे में कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से मनरेगा योजना में खड़ीहाट में जो है शांतिधाम में काम हुआ है। अष्ट सीसन में खड़ीहाट में ग्रामीण क्रीड़ांगन का कार्य सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत में हुआ, उसकी सीसी जारी हो चुकी है जो मुख्य मार्ग पर है। और ग्राम खड़ीहाट में 2 ग्राम लगते हैं, एक ग्राम खड़ी और दूसरा चामसी। ग्राम की कुल जनसंख्या 4441 है, उसमें पुरुष 2341 है और महिला 2100 है। मनरेगा योजना में हमारी ग्राम पंचायत में जो है शांतिधाम का काम ग्राम चामसी में भी चल रहा है और ग्राम खड़ी में भी प्रगति पर है। ग्रेवल रोड का कार्य भी प्रगतिरत है। मजदूर आसानी से तो नहीं कह सकता मैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ गाँव के मन से मतलब हमारी पूर्ति हो जाती है।